नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। वंदे मातरम। आज हमारा जो विषय हम लेके आए हैं, ये विषय जो हमारी गौशाला में मानसरोवर पंचगव गौशाला है, इसमें जो यहाँ रहने वाले जो भाई हैं या जो विद्यार्थी भी हैं या मैं खुद भी, हम सब जो भोजन करते हैं वो वनस्पतियों के जो पत्ते होते हैं उन पर हम लोग भोजन करते हैं बैठ के। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये केले का पत्ता है जिसमें बैठ के हम जो भोजन कर रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको, वो ये है कि हमारे यहाँ भारत में जो आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र में ये लिखा गया है कि हमारे यहाँ लगभग 2700 प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, 2700 प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ तो बहुत करोड़ों अरबों प्रकार के हैं, लेकिन जो 2700 प्रकार के हैं जिनके पत्तलों से या जिनके पत्तल बनाए जाते हैं उनके पत्तों से, उन पे बैठ के जो भोजन करने का जो विधान है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ जब 2700 प्रकार की वनस्पतियों के जो पत्ते हैं उनके बने हुए पत्तल पर जो भोजन करने का नियम है, उनमें से कुछ वनस्पतियाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम अभी केले के पत्ते पे बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो जो केले की प्रकृति है वो थोड़ी सी शीत प्रकृति है, या मैं ऐसे कह दूँ कि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुश्किल से 1-2% वो शीत प्रकृति है। तो शीत प्रकृति, जैसे हमारा ये जो उत्तर भारत है, यहाँ 4 महीने लगभग साल में गर्मी है, 4 महीने सर्दी है और 4 महीने ही लगभग वर्षा होता है। तो हम जो अब बैठ के यहाँ पत्तल पर कर रहे हैं भोजन, वो ये है कि केले के पत्तल पर बैठ के अगर आप भोजन करोगे तो आपके शरीर में जो है वात, पित्त और कफ, इनकी जो मात्रा है वो समान रहे। और आयुर्वेद का तो सिद्धांत है कि अगर 3 दोष आपके समान मात्रा में है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, हमारे यहाँ गुरुकुल में सामने मैं देख रहा हूँ अरंडी का पेड़ भी हमने लगाया हुआ है, तो अरंडी के पेड़ के जो पत्ते हैं उन पे बैठ के जो हम भोजन करते हैं, तो वो भोजन करने से जो है, जैसे जिनको वात की समस्या है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, चाहे वो कंधे दुखना, घुटने दुखना, कमर दुखना, कुछ भी है, आर्थराइटिस, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी प्रकार का बाय या गठिया बाय का दर्द, वो अगर अरंडी के पत्ते पे बैठ के जो है भोजन करें तो उनको बहुत लाभ होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चलता रहता है, रक्त विकार जिनको हो जाता है, रक्त दूषित जिसको हो जाता है, हाँ, जिसको, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ बीमारियों का, जैसे चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने, फोड़ा, फुंसी, ये सब निकलते हैं, या कई बार क्या होता है जब रक्त बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है तो वो ब्लड कैंसर में भी परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे यहाँ दिया गया है कि सुपारी के पत्ते पे, यानी कि सुपारी के पेड़ का जो पत्ता है उस पर बैठ के भोजन करने से रक्त जो दूषित है वो हमारा ठीक हो जाता है। ऐसे ही 1-2 पत्ते और मैं बताता हूँ। जैसे किसी के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, क्योंकि आज वायु ही अगर आयु है, ये तो सदियों से आचार्य चरक कहते आए हैं कि वायु ही आयु है, तो आयु अगर बढ़ानी है तो वायु को अपने शरीर में बढ़ाना पड़ेगा। पर वो वायु जब बढ़ानी है तो पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे या वट वृक्ष की श्रेणी में आने वाले जितने भी पेड़ हैं जी, उन सभी पेड़ों के जो पत्ते हैं उन पत्तों के बने हुए पत्तल पर भोजन करने का यहाँ नियम है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। हाँ, उसके साथ फिर क्या दिया हुआ है, जैसे किसी का पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी, गैस टाइप, इसकी लगभग 35-36 बीमारियाँ हैं, तो उनसे अगर आपको जीवन भर बचे रहना है तो आपको अमलतास के पत्ते पे बैठ के, मतलब अमलतास के पत्ते पे भोजन रख के आपको करना है। तो ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे लगभग 2700 है, लेकिन इससे फायदा बहुत सारे होते हैं। ये तो हमारे शरीर के लिए, इसको प्रकृति के लिए भी बहुत फायदा है। प्रकृति के, नेचर के लिए कैसे फायदा है, अब जैसे हमने ये पत्ता लिया, इस पत्ते पे हम अब भोजन रख के कर रहे हैं, तो एक तो पानी की बहुत बचत हो गई, क्योंकि हमें इसको धोना नहीं पड़ेगा, इसको जैसे हमने लिया है ऐसे ही इसको हमको खेत में डाल देना है, तो जब ये सूखेगा, एक तो पानी बच गया, दूसरा सूखेगा तो खेत को या खेत में होने वाली फसल को खाद मिल गया, सूखने के बाद खाद में परिवर्तित हो जाएगा, पानी बच गया। तीसरा बचता है
कि जो मिट्टी आज सूख गई है, जी मिट्टी का भूमि का जो गर्भ सूख गया है, खत्म हो जी गया है, वो केमिकल डाल डाल के हो गया है, जी तो जो बर्तन हम लेते हैं जी उसमें हम जो चाहे कोई सर्फ एक्सल हो, चाहे कोई डिटर्जेंट पाउडर हो, जी चाहे वो बर्तन बर्तन धोने वाले की भी टिकिया साबुन कुछ भी हो, बर्तन धोने वाले टिकिया हो, उसमें जो केमिकल होते हैं जब हम धोते हैं तो पानी वेस्ट, जी पानी दूसरा जाता वो अंतिम रूप जो उसका किसी नदी नाला या खेत में जाएगा तो वो उसको दूषित कर देगा, तो वो भी बच गया। घूम के हमारे पेट में जाता है वो, बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर वो भोजन में आएगा, जो जी फसल उसमें पैदा होगी वो पेट में आएगा, पेट में आएगा, तो नुकसान हो गया। बिल्कुल तो नुकसान एक हो तो गया। ये बच गया, और एक और इसमें समय मैंने बेनिफिट देखा है, वो ये समय है समय कि समय बहुत बचता है जी इससे। मान लो किसी घर परिवार में कोई माँ या बहन, जी एक परिवार 4-5 लोगों का है, मिनिमम तो इतना होता ही है, जी तो सुबह और शाम का जब बर्तन मांजने का उसका जो है समय आता है, एक तो घंटा, एक घंटे मिनिमम, एक घंटा तो एक सुबह, एक घंटे घंटा सुबह, एक घंटे शाम, बर्तन ही का काम है। एक दिन में अगर वो 120 मिनट खर्च कर रही है जी सुबह और शाम, 60-60 मिनट एक एक घंटे, बर्तन तो धोने के, हाँ बर्तन धोने के। ऐसे ही अगर वो 30 दिन लगातार करे तो कितना हो गया, जी 30 दूनी 60, 60 घंटे हो गए। 60 घंटे, ऐसे ही वो अगर लगातार 35 से 40 वर्ष तक बर्तन ही मांजे जी बहुत टाइम की बर्बादी है, तो कई हजार घंटे जो है उनके वेस्ट हो जाते हैं। अगर जी हर व्यक्ति ये पत्तल पे रख के भोजन करे जी तो शरीर भी स्वस्थ हो, बिल्कुल, घर में जो गृहिणी है, जो माँ है, जो बहन, उसका समय भी बचे, और वो जो समय बचेगा नेक काम वो समय कोई नेक काम में, कोई सामाजिक काम में, कोई राष्ट्र के काम में, गौ माता को बचाने के काम में, कुछ नया करने के काम में लगेगा, क्योंकि समय की बहुत कीमत है और समय एक बार चला गया तो वापिस नहीं आता, तो इसलिए वो भी बचेगा। अब मैंने तो संकल्प किया मेरे जीवन में कि मैं मेरे जीवन में हमेशा किसी वनस्पति, जो वनस्पति औषधीय गुण लिए हुए है, बहुत ज्यादा लिए हुए है, उनके पत्तल पे, यानी कि उनके बने हुए जो पत्तल है, पत्तों के उन पे बैठ के ही भोजन करूंगा। जी मैं मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसे ही जीवन भर करने वाला हूं कि बर्तन मांजने का काम तो बिल्कुल खत्म करने ही वाला हूं, समय बचेगा, बीमारियों से बचे रहेंगे, मिट्टी दूषित नहीं होगी, साबुन का खर्चा भी बचेगा, ये सब होता रहेगा, ये सब अपना अच्छा चलता रहेगा। एक लाभ इसका और भी है कि हाँ, जब ये पत्तल पे खाना खाएंगे तो लोग पौधों से जुड़ेंगे, बिल्कुल प्लांट लगाएंगे, बिल्कुल पौधों से जुड़ेंगे, वनस्पतियों से, कई बंदों को रोजगार मिलेगा। हाँ, हम लोग ये फाइबर का पत्तल, प्लास्टिक का गिलास पीते हैं, ये सब सब दूषित है, सब दूषित है, सब शरीर में कैंसर के सेल को एक्टिव करता है। तो मैं आप सभी से यही जो है कहना चाहता हूँ, सभी से मेरी हाथ जोड़ के हाँ विनती है कि आप सभी जो है नेचर से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, तो आज के विषय में यही है। हाँ, बीमारियां तभी आई हैं जब सब नेचर से जुड़ना छूट गया हमारा, हम सारा भौतिकता बाद, सारा प्लास्टिक का हो गया, गिलास हो गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब तो नेचर से जुड़े रहेंगे तो उम्र लंबी रहेगी, नेचर से कट गए तो वो आपको पहले ही भगवान काट लेता है। हाँ, एक, 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 हाँ, अभी हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी JS बोस विश्वविद्यालय है फरीदाबाद में, YMCA करके, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं भी एक महीने पहले मेरा एक लेक्चर था हेल्थ के ऊपर, मैं गया तो वहां मेरे से पूछा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम कैंसर पर काम कर रहे हैं और कैंसर के बहुत अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, ये प्रमाण हमारे पास है, चाहे वो लीवर का कैंसर हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ओवरी कैंसर हो, चाहे यूट्रस कैंसर हो, चाहे वो आंतों का, कोई भी एनी टाइप ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कोई भी कैंसर, हाँ, वो सब में जो है रिजल्ट है। तो मेरे को वहाँ सवाल पूछा, मेरा बेसिकली कैंसर के ऊपर ही वर्कशॉप थी, मेरे को बुलाया था, तो मेरे को सवाल पूछा कि ये कैंसर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब था कि जब से हम नेचर से दूरी बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 100%, जब से हम प्रकृति से दूर हुए हैं तब से कैंसर, क्या कैंसर जैसी भयानक भयानक बीमारियां हमारे घरों में घुस गई है, प्लास्टिक खाओ, प्लास्टिक अंदर प्लास्टिक। तो मेरा यही कहना है कि समय भी बचाओ, शरीर को स्वस्थ भी रखो, मिट्टी को भी बचाओ, पानी को भी बचाओ, तो हाँ नेचर प्रकृति के साथ जुड़ो, डॉक्टर तो, से दूर रहो, डॉक्टर से दूर रहो, और गौ माता का सानिध्य रख लो, तो जो है ये हाँ, पत्तल पे बैठ के जो है आप किसी भी वनस्पति के जो पत्ते हैं उनसे बने हुए पत्तल पे बैठ के आप भोजन करें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपके परिवार के लिए उपयोगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय वंदे गौ माता, जय गौ माता।